हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आईटीएस में रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर जाएंगे। ओके, एक्चुअली आईटीएस में वीडियो बनाना रीडिंग के ऊपर बहुत टफ है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करा रहा हूँ एलईडी पैनल पे, तो उस पर मैं आज रीडिंग की वीडियो बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। और तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन, एक्चुअली दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पूछा है तो ट्रू की जगह पे यस नहीं लिख सकते और फॉल्स की जगह पे नो नहीं लिख सकते। उसी तरह अगर यस नो नॉट गिवन के क्वेश्चन होते हैं तो यस की जगह पे ट्रू नहीं लिख सकते और नो की जगह पे फॉल्स नहीं लिख सकते। ओके, नॉट गिवन तो दोनों में सेम ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है क्या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ओके, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अगर आपको पैसेज में पढ़ने में अगर लगे कि जो स्टेटमेंट दिया है ऑथर या राइटर वही कहना मांगता है तो आप ट्रू लिखेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये उससे उल्टा कह रहा है तब आप लिखेंगे फॉल्स। और अगर कोई बार ऐसा लगे कि सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, ओके, मतलब पूरा नहीं दिया हुआ है या फिर क्लियर कट कह नहीं सकते, देन यू विल राइट इट आउट एज नॉट गिवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले टेक्निक देखेंगे हम कि कौन से टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के। तो सबसे पहले दो मेजर स्टेप्स हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है जिस पर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना है, तो उसमें से सबसे पहले आपको कीवर्ड मार्क करना है। आपको वो कीवर्ड मार्क करना है जिससे आपको उसकी लोकेशन मिले। मैं एक बात समझा दूं कि पूरा पैराग्राफ डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वही पार्ट डिटेल में पढ़ो जहां पे आपका आंसर है, लेकिन पता कैसे चलेगा आंसर कहां पे है? तो इसी वजह से थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में थोड़े वर्ड ऐसे होंगे जिसकी हम या तो पैराफ्रेजिंग होगी या फिर वो वर्ड वैसे के वैसे ही दिए होंगे। ओके, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। मतलब क्वेश्चन में वर्ड दिया होगा इंक्रीज और पैसेज में आएगा एलिवेट, तो ये हो गया उसका पैराफ्रेजिंग। ओके, तो सबसे पहले हमको कौन से कीवर्ड मार्क करने हैं जिससे हमको पता चलेगा कि हमारी लोकेशन कहाँ पे है। ओके, अगर ऐसा कुछ आएगा पैराग्राफ में तो वहां पे थोड़ी ब्रेक मारो और वो पार्ट को डिटेल में पढ़ो। सेकंड है मार्क द डिसीजन मेकिंग वर्ड। ओके, डिसीजन मेकिंग मतलब क्वेश्चन में एक वर्ड, एक दो वर्ड ऐसे होंगे जो डिसाइड करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। जनरली वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि द, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दू कि द कॉस्ट ऑफ एनी आइटम हैज इंक्रीज्ड। ओके, तो अभी ये ट्रू क्या होगा कि अगर सही में उसकी कॉस्ट बढ़ी होगी तो। फॉल्स कब होगा? ओके, जब उसकी प्राइस या तो कम हुई होगी या तो उतनी की उतनी रही होगी, ठीक है। लेकिन नॉट गिवन कब होगा? जब उसकी प्राइस दी हुई लेकिन उसका कोई कंपैरिजन नहीं दिया है पहले से बढ़ी है कम हुई है, तब आप उसको नॉट गिवन लिख सकते हैं। ओके, तो ये इंक्रीज वाला वर्ड था वो था डिसीजन मेकिंग वर्ड। ओके, अभी क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नो फॉल्स और नॉट गिवन इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नॉट गिवन में क्या होता है पूरा नहीं दिया होता है या तो बिल्कुल नहीं दिया या तो हाफ इंफॉर्मेशन दी होती है, तो वो देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यह फॉल्स है या नॉट गिवन है। ओके, तो सबसे पहले क्या करने का अवॉइड, अगर आपको अवॉइड करना है कंफ्यूजन फॉल्स और नॉट गिवन में, तो पैसेज पढ़ने से पहले जब आप क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट पढ़े तभी डिसाइड कर दो कि उसको आप फॉल्स कब बोलोगे, ठीक है। पहले से डिसाइड करना है कि उसको आप फॉल्स कब बोलोगे, ठीक है। जैसे अब मैंने भी एग्जांपल दिया था कि कॉस्ट ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज्ड।
वो फॉल्स कब बोलोगे? तो पहले ही पता है, या तो उसकी कॉस्ट डिक्रीज होगी या तो उसकी कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है। अब अंदर पढ़ोगे उसकी कॉस्ट दी है, ओके, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं दिया कि वो डिक्रीज है या फिर वो सेम रही है, तो मतलब उसका आंसर आ गया नॉट क्योर, ठीक है। अगर हम पैसेज सॉल्व करेंगे तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम, ओके। मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 to 7 क्वेश्चंस है, ओके, लेकिन आप मोबाइल स्क्रीन में इजीली पढ़ सके इसलिए मैंने उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके। तो देखो ये अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसमें से 3 आंसर्स आपको फाइंड करने होंगे। तो एक काम आप कर सकते हैं पहले कि वीडियो को पॉज करके इतना खुद सॉल्व करें, उसके बाद मैं कैसे सॉल्व करूँगा आप देखें, तो आपको पता भी चलेगा आप कितने सही हुए हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके। तो हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट थिंग है, एट द टाइम ऑफ हिज वॉयज, एट द टाइम ऑफ हिज वॉयज माओ हैड यूनिक नेविगेशनल स्केल्स। तो कौन सी हमारी 2 स्टेप थी? पहली स्टेप थी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट विल गिव यू द लोकेशन, ओके। तो एट द टाइम ऑफ वॉयज, ओके, मतलब वॉयज के दरमियान, ओके, जब वो समुद्र में जा रहा था, ओके, उस दरमियान माओ हैड यूनिक नेविगेशनल स्किल्स। तो यहां से मेरा लॉजिक लग रहा है कि यूनिक नेविगेशनल स्किल्स ज्यादातर इंपॉर्टेंट, यूनिक, यूनिक मतलब क्या हो? सबसे अलग, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है कि उस टाइम पे माओ का जो जो स्किल्स थी वो किसी के पास नहीं थी, ओके, यूनिक का मतलब ये रहा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, तो यहां पे देख लो ये हमारा एट द टाइम ऑफ वॉइस लोकेशन वैसा कुछ मिलेगा तो हम थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और ये हम ढूंढेंगे यूनिक नेविगेशनल स्किल है क्या नहीं। ये फॉल्स कब होगा? पहले अगर नॉर्गे और फॉल्स में कंफ्यूजन हो दूर कर, तो पहले डिसाइड करो फॉल्स कब होगा। ये फॉल्स तब होगा जब ऐसा कुछ दिया होगा कि माओ के पास जो स्किल थी वो सबके पास है, मतलब माओ अकेले के पास वो स्किल्स नहीं है, ओके। सेकेंड वन, माओ वॉज फेमिलियर विद द सी अराउंड तहीती, तहीती। अब आपको पता है तहीती का पैराफ्रेजिंग यूज नहीं करेंगे, राइट, तहीती क्योंकि नाम है, वो जगह का नाम है, तो मतलब तहीती वर्ड ऐसा का वैसा ही मिलेगा आपको पैराग्राफ में, जहां भी तहीती मिलेगा वहां पे एक बार ट्राई करने का। ऐसा नहीं है कि तहीती मिला वहां आंसर होगा ही, सपोज पैसे में 3-4 बार हो ऐसे शब्द, ओके। सो तहीती, ये हो गए लोकेशन के लिए, ओके। अब डिसीजन मेकिंग, तो यहां पे लगता है फैमिलियर, फैमिलियर के मतलब वो उससे परिचित है, उसके लिए कुछ नया नहीं है, वो जानता है, ओके। तहीती, माओ वॉज फैमिलियर विद द सी अराउंड तहीती, मतलब तहीती के आजू बाजू समुद्र था उससे वो परिचित था, वो उसको जानता था, उसके लिए कुछ नया नहीं था। तो ये फॉल्स कब होगा? ये फॉल्स तब होगा जब उसके लिए तहीती एकदम, वो जगह एकदम अनजान हो, ठीक है, मतलब उससे फैमिलियर नहीं होगा, तभी फॉल्स होगा, ओके। थर्ड वन, माओ थॉट इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज कंपास एंड चार्ट। चलो ये वर्ड्स मिल गए हमको, कंपास एंड चार्ट, इससे लोकेशन मिल जाएंगी, जहां पे कंपास और चार्ट भी ले वहां पे स्लो डाउन करो और डिटेल में थर्ड क्वेश्चन का सॉल्व करो। अभी डिसीजन मेकिंग क्या था? थॉट इट वुड बी डिफिकल्ट, मतलब उसने सोचा कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, ओके, ठीक है। तो ये होगा इसका डिसीजन मेकिंग, ये होगा उसका लोकेशन फाइंडर, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम, पहले से फिर से याद करा दूं मैं, पूरा पैराग्राफ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है आपको लेकिन एक लाइन 4-4 बार पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना आपका रीडिंग खत्म होगा ही नहीं, वो खत्म। अगर आप सभी लाइन आप 4-4 बार पढ़ेंगे तो वही पार्ट डिटेल में पढ़ो जहां पे आपको लगता है कि उसका आंसर है, ओके। बाकी का पार्ट पढ़ना है, नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है, लेकिन 4-4, 5-5 बार एक लाइन नहीं पढ़नी है, ओके। स्टार्ट करें, इन अर्ली 1976 माओ पियालू अ फिशरमैन लेड एन एक्सपीडिशन इन विच ही सेल्ड अ ट्रेडिशन पोलिनेशियन बोट अक्रॉस 2500 माइल्स ऑफ ओशन फ्रॉम हवाई टू तहीती। तहीती हमको मिल गया यहाँ पे था लेकिन तहीती यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे ऐसा फैमिलियर अनफैमिलियर जैसा कुछ नहीं है। सपोज यहाँ पे से हमको, मेरे को यहाँ से आंसर लिखना होता
तो मैं नॉट गिवन लिख देता, लेकिन चांस अगेन नीचे होगा आंसर। ओके मतलब यहाँ पे ये कहते हैं माओ पायलू है वो जा रहा है, पॉलिटिशियन वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन वोट वो पुराने जमाने की उनके जमाने की पॉलिटिशियन की वोट है वो लेके जा रहा था 2100 माइल्स कहाँ से कहाँ, हवाई से तहिती। द पॉलिनेशिया वॉयेजिंग सोसाइटी हैड ऑर्गेनाइज द एक्सपेडिशन, इट्स पर्पस वॉज टू फाइंड आउट इफ सी फेयरर्स इन द डिस्टेंट पास्ट कुड हैव फाउंड देयर वे फ्रॉम वन आइलैंड टू अदर विदाउट नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट और वेदर द आइलैंड्स हैव बीन पॉपुलेटेड बाय एक्सीडेंट। ओके अगर यहाँ तक हम पढ़े तो देखो यहाँ पे कुछ एट द टाइम ऑफ वॉयज नेविगेशनल स्किल वैसा कुछ नहीं है, ठीक है एक बार समझ लेने का बहुत टाइम नहीं दिखाने का, आगे जा रहे हैं। ओके एट द टाइम माउ, ओके ये आ गया एट द टाइम मतलब उस समय, ओके कौन सा समय, वॉयज का समय था। ओके तो एट द टाइम तो यहाँ पे हमको मेरे को फर्स्ट का कुछ अंदाजा लग रहा, तो मैं यहाँ पे स्लो डाउन करूंगा और ये मैं थोड़ी डिटेल में पढ़ूंगा। एट द टाइम माओ वॉज द ओनली मैन अलाइव हु न्यू हाउ टू नेविगेट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द स्टार्स द विंड्स एंड द सी। मतलब माओ अकेला ऐसा इंसान जिंदा था जो इस तरीके से नेविगेट कर सकता था। ओके अगर मैं यहां वर्ड्स मैच करूं तो क्या थी, यूनिक। ओके यहां पे द ओनली मैन अलाउ मतलब वो अकेला था। नेविगेशनल स्किल्स तो ये था हाउ टू नेविगेट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द स्टार्स विंड एंड द सी। ओके स्टार्स विंड और सी इनको देख के ही वो नेविगेट कर सकता, तो मतलब ये नेविगेशनल स्किल हुई। और कैसी नेविगेशनल स्किल, सिर्फ उसके पास थी, he was the only man alive, that means it's a unique navigational skill। okay तो इस वजह से मैं इसका आंसर लगूंगा टू। ओके ठीक है ये हो गया हमारा फर्स्ट, अभी सेकंड देखते हैं। माओ वॉज फेमिलियर विद द सी अक्रॉस द तहिती ढूंढना इनको। he had never before sailed तहिती, फिर से आया तो मतलब मैं होल्ड करूंगा। माओ वॉज फेमिलियर विद द सी मतलब वो दरिया वो समुद्र से परिचित था। ही हैड नेवर बिफोर सेल्ड, ओके यहां पे मैं देख लूंगा नेवर बिफोर सेल्ड मतलब वो पहले कभी तहिती में गया ही नहीं था। ओके तो फिर फेमिलियर कैसे होगा, परिचित कैसे होगा, तो यहां पे बोल रहे हैं फेमिलियर, यहां पे बोल रहे हैं नेवर बिफोर मतलब यहां पे परिचित है यहां पे कभी गया ही नहीं, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हो गए। तो इस केस में मैं इसको लिखूंगा फॉल्स। ओके अभी थर्ड, माओ थॉट इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज कंपास एंड चार्ट, कंपास एंड चार्ट ढूंढते आगे। हाउएवर द ही अंडरस्टूड हाउ द विंड एंड द सी बिहेव अराउंड आइलैंड्स सो ही वॉज कॉन्फिडेंट ही कुड फाइंड हिज वे। द वॉयज टूक हिम एंड हिज क्रू अ मंथ टू कंप्लीट एंड ही डिड इट विदाउट अ कंपास और चार्ट। चलो आ गया कंपास और चार्ट, कंपास और चार्ट मतलब लोकेशन आ गई। अब मैं स्लो डाउन करूंगा फिर से पढ़ूंगा। वॉयज टूक हिम एंड हिज क्रू अ मंथ टू कंप्लीट एंड ही डिड इट विदाउट अ कंपास और चार्ट मतलब कंपास और चार्ट के बिना उसने कर दिया, ठीक है। और यहां पे क्या कर रहा है, थॉट इट वुड बी डिफिकल्ट। ओके अब क्या करोगे, फॉल्स या नॉट गिवन, ठीक है ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि डिफिकल्ट है, क्लियर। तो फॉल्स या नॉट गिवन, तो फॉल्स मैंने क्या बोला था, अगर ये हम भूल जाए इतना ही है, माओ ने सोचा कि ये डिफिकल्ट है। ओके तो ये फॉल्स कब होगा, ये डिफिकल्ट नहीं होगा तो, या तो फिर वो इजी होगा, ठीक है। क्या ऐसा कुछ है इधर, नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया कि माओ ने क्या सोचा था। ओके The passage doesn't say anything what Mao has thought about, whether it was easy or it was difficult. It only says that he did it without compass or chart. उसका मतलब उसने कंपास और चार्ट के बिना किया है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो कंपास और चार्ट यूज करना डिफिकल्ट था या फिर इजी था, हम ये नहीं कह सकते। सो इसमें हम आंसर लिखेंगे नॉट गिवन।
ओके ठीक है, तो ये हो गए तीन क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। ओके फोर्थ क्वेश्चन, फोर और फाइव, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके माउस ग्रैंडफादर वाज हिज ओनली टीचर, चलो लोकेशन के लिए हो गया ग्रैंडफादर, राइट, जहां पे भी ग्रैंडफादर के द्वारा में कुछ दिया होगा वहां पे मैं ट्राई करूंगा इसका आंसर है या नहीं। डिसीजन मेकिंग, याद रखो ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। ओनली मतलब ग्रैंडफादर अकेले ही उसके टीचर थे, उनके सिवाय किसी ने उसको नहीं पढ़ा, ठीक है। फिफ्थ मतलब देखो फोर्थ फॉल्स कब होगा, हमको सिर्फ यही ढूंढना है कि उसके ग्रैंडफादर के सिवा और एक कोई टीचर जिसने उसको पढ़ाया है, अगर ये मिल जाए तो फॉल्स, ठीक है। अगर ये नहीं मिले और ऐसा भी नहीं लिखा कि सिर्फ वही है तो आएगा नॉट गिवन। अगर मिल जाए कि ग्रैंडफादर ने माओ को पढ़ाया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रू आएगा, सिर्फ ग्रैंडफादर ने पढ़ाया तो ही ट्रू आएगा। सेकंड फिफ्थ सॉरी माओ यूज स्टोन्स टू लर्न वेयर ईच स्टार वाज सिचुएटेड इन द स्काई, स्टोन्स पत्थर का यूज करा दो किसके लिए, टू लुक लर्न वेयर ईच स्टार वाज सिचुएटेड। ओके क्लियर, तो ये डिसीजन मेकिंग और इसमें सॉरी ये हो गए लोकेशन, मतलब उसने पत्थर का यूज किया है। ओके ये फॉल्स कब होगा, अगर उसने पत्थर की जगह किसी और चीज का यूज किया हो या फिर पत्थर का यूज कुछ और चीज की लोकेशन ढूंढने में की हो। ओके तो चलो अभी इधर देखते हैं, हिज ग्रैंडफादर, चलो ग्रैंडफादर स्टार्टिंग में ही आ गया, यहाँ पे हम आंसर देखते ट्राई करते हैं। हिज ग्रैंडफादर बिगेन द टास्क ऑफ टीचिंग, मतलब चलो ग्रैंडफादर ने टीचिंग की है, मतलब ग्रैंडफादर तो टीचर थे उसके, ठीक है। हाउ टू नेविगेट व्हेन ही वाज स्टिल अ बेबी, He showed him pools of water on the beach and teach him how the behavior of the waves and wind changed in different places. मतलब ये भी पढ़ा लिया उसने। Later Mao used circle. Okay. यहाँ पे ट्रैक चेंज हो गया, अब ग्रैंडफादर का चैप्टर खत्म। तो यहाँ पे क्या दिया, ग्रैंडफादर ने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उसने उसको क्या पढ़ाया ये भी बताया है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उसके अलावा किसी और ने माओ को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, मतलब दोनों केस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी उसे किसी और टीचर ने पढ़ाया है, ऐसा भी हो सकता है उसे किसी और टीचर ने नहीं पढ़ाया, बट वी कैनॉट बी श्योर। ओके ये फॉल्स कब होगा, और कोई टीचर हो तो, यहां से ये तो नहीं पता चला और कोई टीचर है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इसको मैं लिखूंगा नॉन गिवन। ओके अभी आगे बढ़ते हैं, लेटर माओ यूज सर्कल्स, ओके चलो आ गया सर्कल्स ऑफ स्टोन्स हमारा आ गया, टू मेमोराइज टू लर्न, देखो द पोजिशन ऑफ स्टार्स, Each stars were situated, word to word, okay? Paraphrasing match हो रहा है, clear? यहाँ पे क्या है? Circles of stone, stones, memorize, learn, memorize मतलब याद रखना, learn सीखना, okay? थोड़ा-थोड़ा paraphrasing हो गया। Position of star, each star was situated. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों statement similar हैं, okay? मतलब writer यही कहना चाहता है। So fifth हम लिखेंगे ओके okay, अब आते हैं लास्ट टू क्वेश्चंस में। ओके द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हवाई कुड रीड एंड राइट, फर्स्ट इनहेबिटेंट मतलब जो वहां पे पहले आ रहे थे, कुड रीड एंड राइट मतलब ये हमारा हो गया लोकेशन के लिए, जहां पे हवाई मिलेगा वहां पे हम स्लो डाउन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और फिर सिक्स्थ का आंसर ढूंढेंगे। अब डिसीजन मेकिंग क्या है यार,
कुड रीड एंड राइट, मतलब उनको पढ़ना और लिखना आता था। ठीक है, ये फॉल्स कब होगा? अगर उनको पढ़ना नहीं आता या फिर लिखना नहीं आता या फिर दोनों नहीं आता तो ही ये फॉल्स होगा। ओके, एंड इन एनी अदर केस इट कैन बी आइदर ट्रू और नॉट गिवन। क्लियर? सिक्स, माउ एक्सपेक्टेड हिज स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द पोजीशन ऑफ स्टार। माउ एक्सपेक्ट हिज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखेंगे जहां पर उसके स्टूडेंट्स आएंगे, यहां पे ये हो गया हिज स्टूडेंट्स, यहां इसे लोकेशन मिल जाएंगे सेवन की हमको। ओके, मेमोराइज एक्सपेक्टेड मतलब ये है डिसीजन मेकिंग, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था तो उसके स्टूडेंट्स मेमोराइज द पोजीशन मतलब याद रखेंगे। ओके, ये फॉल्स कब होगा? जब ऐसा कुछ दिया होगा कि माओ ने एक्सपेक्ट किया हो कि उसके स्टूडेंट्स को याद नहीं रहेगा, तब ये होगा फॉल्स। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं। The voice proved that Hawaii is okay, Hawaii आ गया, मतलब हमारा sixth का आंसर दिख रहा है। Hawaii's first inhabitants came in a small boat and navigated by reading the sea. चलो read आ गया, लेकिन यहाँ पे ये read and write का मतलब क्या है? ये read का मतलब है पढ़ना, ये write का मतलब है लिखना। Okay? मतलब जो अब letters पढ़ रहे हैं, okay? Written material पढ़ रहे हैं, वो read है यहाँ। यहां पे रीडिंग का मतलब क्या है? रीडिंग द सी, उसका मतलब कि रिटन मटेरियल क्या समुद्र में लिखा हुआ था? नहीं, रीडिंग द सी यहां उसका मतलब होता है समुद्र को समझना। ओके, सी हवाईज फर्स्ट इनहेबिटेंट केम इन स्मॉल बोट, छोटे बोट में आए, एंड नेविगेटेड बाय रीडिंग द सी, मतलब वो आगे कैसे बढ़ रहे थे? समुद्र को समझ के आगे बढ़ रहे थे। ओके, यहाँ पे वो लिखाई हुई पढ़ रहे वैसा नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो पढ़ना कौन सा है? रीड, मतलब जो मैं अभी कर रहा होता वॉइस प्रूफ, वो वाला रीड है, एंड राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगा? स्टूडेंट्स सोचेंगे कि रीडिंग दिया है, राइटिंग नहीं दिया है, तो मतलब फॉल्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप गलत हो जाओगे, ये रीडिंग का मतलब है टू अंडरस्टैंड द सी, और ये रीडिंग का मतलब है टू रीड द रिटन मटेरियल एंड राइट। तो अभी वो समुद्र को समझ रहे थे, लेकिन इस सेंटेंस से हम कैसे कह सकते हैं कि वो पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं जानते? बिकॉज इट इज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, यहां पे वो दिया ही नहीं है। सो सिक्स, आई विल गिव इट एज नॉट गिवन। ओके, अब एक ही बाकी रहा, लास्ट वन। माओ हिमसेल्फ बिकम अ कीन टीचर, पासिंग ऑन हिज ट्रेडिशनल सीक्रेट्स टू पीपल ऑफ अदर कल्चर सो दैट हिज नॉलेज वुड नॉट बी लॉस्ट। हमको स्टूडेंट्स पे फोकस करना है। ओके, स्टूडेंट्स अभी आए नहीं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ही एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ स्टार्स टू हिज स्टूडेंट्स, आ गया। ओके, एक्सप्लेन मतलब उसने एक्सप्लेन की क्यों, बट ही अलाउड देम टू राइट थिंग्स डाउन बिकॉज He knew they would never be able to remember. New expected. Never be able to remember, memorize. अब ये दोनों वर्ड कैसे हो गए? मैच या मिसमैच? ये हो गया नेवर बी एबल टू रिमेंबर, कभी याद नहीं रहेगा। ये हो गया मेमोराइज, मतलब याद कर लेंगे। एग्जैक्टली अपोजिट। ओके, लेकिन हम देखिए क्या है पोजिशन ऑफ स्टार। ओके, ये हो गया पोजिशन ऑफ स्टार यहाँ पे, मतलब सब कुछ दिया है लेकिन नेवर बी एबल टू रिमेंबर एंड मेमोराइज, ये दोनों मिसमैच अपोजिट हो गए। तो यहां पे आंसर मैं सेवन का लिखूंगा फॉल्स। ओके, सो दैट वाज अबाउट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ओके, अब आपको मेरे को बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये मेथड रीडिंग का सूटेबल है तो मैं और भी वीडियोज बनाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चन मैचिंग हीडिंग आते हैं, फाइंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन, ओके, सेंटेंस कंप्लीशन, ब्लैंक्स, एमसीक्यू, और ट्रू फॉल्स भी है। ये तो एकदम इजी वाला था टॉपिक। ओके, मैं थोड़ा टफ वाला लेके भी बनाऊंगा, लेकिन अभी ये सिर्फ मैंने एक डेमो वीडियो बनाया था ये सिर्फ ये जानने के लिए कि ये आपको सूटेबल है या नहीं। ओके, थैंक यू।